श्री ने हमें छोड़ दिया है और हम ऑटो का वेट कर रहे हैं और मैंने शॉल डाल लिया, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। भाई तो आए नहीं है, उन्होंने कल तो बोला था कि आऊंगा लेने के लिए और आज वो आए नहीं है, तो आदि और मैं जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ, सुबह सुबह का टाइम कितना हो रहा है, 10:30 बज चुके हैं। तो रात को भाई जा चुके थे क्योंकि भाई को जाना था, क्योंकि वो मम्मा का व्लॉग एडिट करते हैं तो उनका भी डलना बहुत जरूरी था, तो रात वो चले गए थे और आधी और मैं यही रुक गए थे, तो वो आज हमें लेने के लिए आएंगे। फिलहाल मैं अभी अभी सो के उठी हूँ, मैंने मुँह वगैरह अपना धो लिया है गाइस और अब बस नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है, मुझे अपनी थोड़ी सी वीडियो भी शूट करनी है आज। इंस्टा की मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है गाइस, तो पहले नाश्ता करते हैं उसके बाद आगे का काम करते हैं, क्योंकि पेट पूजा फिर काम पूजा, तो पहले पेट पूजा करेंगे गाइस उसके बाद काम पूजा करेंगे। तो गाइस नाश्ता कर लेते हैं, तो मटर पनीर और परोठे और ये अचार। गाइस मैं ऊपर आ गई हूँ और पता है मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है ना गाइस 2 दिन में बहुत ज़्यादा, और अभी ना आधी यहाँ पे है नहीं और भाई भी आ नहीं रहे हैं लेने के लिए, तो हमें मतलब मुझे ही जाना पड़ेगा। और बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊँगी कैसे। एक बार ना यहाँ का मौसम देखो गाइस कितना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, जब से ना ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी बारिश पड़ रही है गाइस, देखो थोड़ी थोड़ी सी, ये देखो तो ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। कहते कि मैं रील शूट करूँगी बट आधी भी नहीं है, कोई भी नहीं है और मौसम भी इतना ज़्यादा मतलब बारिश वाला हो रहा है, तो रील्स कैसे शूट करूँगी। वैसे अभी ना दी आने वाली है, दी गई हैं अभी, तो दी आई हूँ उनके साथ वीडियो शूट करेंगे। और अभी ना नीचे चलते हैं, मैं बहुत देर से ऊपर थी, मैं सो रही थी गाइस कि रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो नीचे चलते हैं। गाइस खाने में बनी है कड़ी, कड़ी बनाई साई जी ने। खाना खा लेते हैं और आज ताई जी ने कड़ी बनाई है, एक तो बारिश बहुत तेज हो रही है, मौसम ठंडा और ऊपर से कड़ी खाएंगे ठंड में। तो कड़ी तो वैसे स्वाति की फेवरेट है, देख ले मैं कड़ी खा रही हूँ स्वाति, तेरे देख ले तेरी फेवरेट चीज़ खा रही हूँ मैं, कड़ी खा रही हूँ कड़ी। अरे ये मेरे कड़ी चावल, इनको खाते हैं गाइस। गया था अब आया है, टाइम भी देख ले, टाइम भी देखने की बात नहीं है, खराब हो गई थी। अच्छा खत्म हो गया क्या? मेरा खत्म खत्म हो गया। चले हाँ पिएगा, अच्छा ओहो हरिया की लस्सी भी क्या आया, फिर कहाँ खराब हो गई थी? वो तो वहाँ से हो गई थी, हम भी ले गए, कचेरी से ले गए, अगर को ले गए, हाँ से ले पाए भाई। अच्छा पता मुझे क्या लगा, मैंने कहा पता नहीं वो कब आएगा, शायद उधर चला गया दूसरे वहाँ पे ताऊ के घर पे। भाई तो आए नहीं है, उन्होंने कल तो बोला था कि आऊंगा लेने के लिए और आज वो आए नहीं है, तो आदि और मैं जा रहे हैं। और शाम हो चुकी है, जब से तो मतलब सुबह तो इस वजह से बारिश हो रही थी तेज, और फिर उसके बाद आदि गोलू के साथ चला गया था और वो अब जाके आया है, तो हम जा रहे हैं घर और दी हमें छोड़ने जाएगी मतलब यहाँ तक, फिर उसके बाद हम ऑटो से घर जाएंगे और बस रास्ते में बारिश ना पड़े हम, नहीं तो भीग जाएंगे और भीगने के बाद तबीयत खराब हो जाएगी, तो जल्दी से चलते हैं। आदि भी रेडी हो गया है, आदि और मैं जा रहे हैं, और घर वालों ने इतना ज्यादा परेशान कर रखा है, फोन पे फोन पा रहे आ रहे हैं भाई, पाकिस्तान में थोड़ी है, पाकिस्तान में तो आएंगे, ऐसा डर लग रहा है ना, इतना ज्यादा ना गाइस इतना ज्यादा वो करते हैं वो कि आ क्यों नहीं रही, अरे आ रहे हैं, इतना मन लगता तुम हमारे बिना तो भेजते क्यों, भेजते क्यों, फिर भेजना नहीं चाहिए। मौसम देखो गाइस कैसा हो रहा है, मौसम देखो यहाँ का, वही क्या नाम है तेरा, कालू नाम है, ठंड लग रही है, मौसम ही ऐसा हो रहा है, ठंड तो लगेगी तेरे को भी, पिछली बार कितनी गर्मी थी आज के दिन, हाँ 1 मई को बहुत गर्मी थी और आज देखो मौसम कैसा हो रहा है। निकाल लेगा ये, घर पे भी निकाल लेता है आराम से, निकाल ले, हाँ इसकी सर्विस करानी पड़ेगी। अब हम जा रहे हैं स्कूटी पे बैठ के, पर ये स्कूटी भी हमें यहाँ तक ही छोड़ेगी, फिर आगे से हम किससे जाएंगे आदि, ऑटो से जाएंगे हम, कोनी मार दो पर हो जाए, मेरी मूड खराब हो रहा है, मैं आदि का मूड खराब हो रहा है गाइस, बहुत ज्यादा ना ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है बहुत ज्यादा, मैं अभी ना शॉल डालूंगी क्योंकि मुझसे तो नहीं रहा जा रहा, मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आदि तेरे को नहीं लग रही? मेरे को लग रही है, पिछले तो बाहर था, और ये तो बारिश में भीग का आया गाइस, दो बार बारिश में भीग चुका हूँ, अभी तो भीग का आया था ना मैं, तो ठंड लग रही है, ठंड
गाइस दीन हमें छोड़ दिया है और अब हम ऑटो का वेट कर रहे हैं और मैंने शॉल डाल लिया मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और आदि की देखो कभी कभी छुट रही है पीछे। ऑटो आ गया है, ऑटो में बैठते हैं फिर चलते हैं। हमारा ऑटो पूछ से हम आ गए हैं घर और शाम हो चुकी है, फिलहाल अंदर चलते हैं, ठंड लग रही है गाइस बहुत ज्यादा। मैं ना अभी आई और घर आने के बाद मेरी ड्यूटी लग गई, मैंने पीछे अपनी कबर लगाई है तो उसमें पूरा एक घंटा गया। वैसे तो दिखने में मेरे कपड़े थोड़े से हैं, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, पर जब इनकी मैं कवर लगाने बैठती हूँ ना तो बहुत सारे कपड़े निकल जाते हैं मेरे। तो गाइस बिल्कुल भी कपड़े नहीं है, देख सकते हो आप, बहुत थोड़े से कपड़े मेरे। मैं लूंगी कपड़े, कहेंगे लोग इतने सारे कपड़े तेरे पास। नहीं गाइस बहुत थोड़े से कपड़े, मेरे कपड़े देखो मेरे पे कितने कपड़े हैं, उसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी गाइस। तो अभी तो मेरे पे बहुत ही कम कपड़े है गाइस, बहुत ज्यादा बस मेरे इतने कपड़े हैं, बस ये देखो ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें कुछ कपड़े बोलते हैं, बस इन्हें देख लो, और ये रे बस थोड़े से इतने से कपड़े हैं गाइस मेरे पास, बस इतने से। गाइस मम्मी ने ना कोई रेसिपी बनाई थी और ये रेसिपी मतलब आलू की है और मतलब मुझे पता नहीं क्या बनाया है पर बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में, तो मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसे बन रहा है। कैसे बनाया मम्मी ने, बहुत अच्छा टेस्ट था और वो अपना ब्लॉग ना मम्मी एंड कर रही है, आवाज आ रही होगी गाइस, तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया था मम्मी ने, मस्त लग रहा है। देखो यहाँ पे सब खा रहे हैं, टूट के पड़ रहे हैं गाइस। और कैसे बन रहे हैं बता, मुझे तो अच्छे लगे, अच्छे लगे इसमें अजवाइन जीरा टेस्ट आ रहा है ना। मतलब गाइस ये ना मतलब मैदा का नहीं है, घर के गेहूं के आटे का बनाया है मम्मी ने। गाइस चाहे तुम मैदा के बना सकते हो मगर मैदा नुकसान देती है, इसलिए मैंने आटे का बनाया है। हाँ और ये काफी ज्यादा मतलब हेल्दी भी है क्योंकि इसमें आलू वगैरह सारी मिक्स वेजिटेबल मतलब डल रही हैं, तो ये कुछ भी मतलब ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। तो गाइस देखो मम्मी के लोग मैरिट करता हूँ, कोई झूठ में मत रहना। खाना वगैरह बन रहा है, देखो पीछे हमारी किचन देखो कितनी ज्यादा गंदी हो रही है क्योंकि आज ना क्या बोलते हैं मम्मा ने रेसिपी बनाई थी अपने चैनल पे, तो उसकी वीडियो बनाई थी तो मम्मा ऐसे ना फैला देती है सारा, तो मम्मी ने सारा किचन गंदा कर दिया गाइस सारा, इसे देख के मेरा दिमाग बहुत खराब है। खैर मेरी तो आज की ड्यूटी है नहीं, मैं तो कल से ड्यूटी पे लगूंगा। वैसे तो पता है जो मौसम हो रहा है वो बारिश का हो रहा है, तो यहाँ पे ना ठंडे जैसे मैंने बताया था ताऊजी के यहाँ पे भी बारिश पड़ रही है और इसमें बार बार सीटी लग रही है, और मैं ना बार बार अपना ब्लॉग है ना रोक रही हूँ, मैंने 3 बार टेक ले लिया और अब इसमें पहले सीटी आएगी उसके बाद सीटी बंद होगी। अब मैं अपनी बात बोलती हूँ, तो गाइस ना बारिश का मौसम हो रहा है तो एक इशू है कि अगर मैंने अपना व्लॉग में लेट किया तो लाइट भग जाएगी, व्लॉग नहीं डल पाएगा, और मैंने प्रण लिया है कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूंगी। तो गाइस व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि मैं एडिट कर पाऊंगी जल्दी से और जल्दी डाल पाऊंगी, तो एंड करते हैं गाइस। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया तो करना लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल गाइस करना सब्सक्राइब। मिलता है वो जल्दी के अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए पापा बाय 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 बाय।